भोपाल में 4 जून को ब्राह्मण समाज का महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है। इसके पहले ब्राह्मण समाज ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों पर विचार किया जो शासन प्रशासन के सामने रखी जाएंगी। ब्राह्मण महाकुंभ को चुनाव से पहले ब्राह्मणों की बड़ी हुंकार माना जा रहा है। ब्राह्मण समाज की बैठक में प्रदेश के सैकड़ों ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिनमें 4 जून को भोपाल में ब्राह्मण समाज का महाकुंभ आयोजित करने और महाकुंभ में लाखों लोगों को एकत्रित करने का संकल्प लिया गया। साथ ही इस बैठक में 11 सूत्रीय मांगों पर विचार किया गया जो शासन प्रशासन के सामने रखी जाएंगी। इन 11 सूत्रीय मांगों में प्रमुख मांग ब्राह्मण समाज के पुजारियों का मानदेय 5,000 से 10,000 करने, मठ मंदिरों से लगी हुई जमीन को सरकार के अधिग्रहण में और उसे मुक्त किए जाने की बात करने और एस्ट्रो सिटी एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी ना किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि इस महाकुंभ का आयोजन ना तो कांग्रेस के समर्थन में किया जा रहा है और ना ही भाजपा के विरोध में किया जा रहा है। यह समाज की एकजुटता का आयोजन है और इसमें ब्राह्मण समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर एकजुटता का परिचय देगा। साथ ही वो शासन से यह निवेदन करेगा कि ब्राह्मण समाज को उपेक्षित नहीं किया जाए और सभी 11 सूत्रीय मांगों को माना जाए। ब्राह्मण महाकुंभ हुंकार जिसका नाम दिया गया है वह आयोजन किया जा रहा है, उसके तारतम्य में आज मानस भवन गुफा मंदिर पर एक भव्य बैठक आयोजित की गई थी जिसमें कि पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लगभग 600 लोगों ने इसमें भाग लिया और एक कोर कमेटी का गठन किया गया है जिसके कि नेतृत्व में ये आयोजन होगा और 10 लाख ब्राह्मणों के आने का हमने लक्ष्य रखा है जिसमें कि पीले चावल तक घर घर दिए जाएंगे और 11 सूत्री हमारी मांग रहेंगी जो कि हम शासन प्रशासन से रखेंगे, जिसमें हमारी एक ब्राह्मण पुजारियों को जो 5,000 का मानदेय जो अभी तक लागू नहीं हुआ है वो उसको 10,000 बढ़ाया जाए और तत्काल प्रभाव से वो लागू किया जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।